Hello everyone, welcome back to my channel. आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओणम पर निबंध। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना संकेत बिंदु देख लेते हैं। संकेत बिंदु, भूमिका, मनाने का ढंग, महत्व, उपसंहार। ओणम केरल वासियों का प्रमुख पर्व है। यह प्रीति भोज, नाच गान और खुशियां मनाने का त्योहार है। यह तिरुवोणम नक्षत्र के दिनों में अगस्त सितंबर के महीनों में मनाया जाता है। यह त्योहार राजा महाबली के सम्मान में 4 दिन तक मनाया जाता है। राजा महाबली महाबलीपुरम के राजा थे। देवता उनसे असंतुष्ट थे। भारत उन्होंने महाबली को हराने के लिए वामन रूप में भगवान विष्णु को भेजा। वामन ने महाबली से उनके राज्य की 3 पग जमीन मांगी। महाबली उसके लिए तैयार हो गए। वामन ने अपना विराट रूप धारण कर समस्त राज्य को केवल 2 पगों में माप डाला। तीसरे पग पर जब महाबली ने अपना सिर नीचे किया तो भगवान विष्णु ने नापने की क्रिया में ही उन्हें पाताल लोक भेज दिया। भगवान महाबली भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार पाताल लोक चले गए, किंतु उन्होंने भगवान विष्णु से वर्ष में एक बार अपनी प्रजा को देखने की अनुमति मांगी। विष्णु भगवान ने उन्हें यह अनुमति दे दी। ऐसा समझा जाता है कि राजा महाबली प्रतिवर्ष ओणम के दिनों में अपनी प्रजा को देखने आते हैं। उसी खुशी में यह पर्व प्रतिवर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व श्रावण मास में पूरे 10 दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हरे भरे खेतों का दृश्य इस पर्व को मनाने में विशेष योगदान देता है। इसीलिए इस उत्सव का आरंभ घर आंगन में रंग बिरंगे फूलों की रंगोली से किया जाता है। इसे केरल की मलयालम भाषा में पक्कम कहते हैं। लड़कियां रंगोली को कलात्मक ढंग से सजाती हैं और उस पर प्रतिदिन रंग बिरंगे फूल चढ़ाती हैं। इस पर्व पर प्रीति भोज का बड़ा महत्व है। इस दिन केरल वासी षट्स व्यंजनों का भोजन तैयार करते हैं। यह प्रीति भोज गृहपति की आर्थिक संपन्नता का द्योतक है। केरल वासियों का ऐसा विश्वास है कि महाबली इस प्रीति भोज पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके कष्ट निवारण करते हैं। इन दिनों नगर के मंदिर तथा अन्य धार्मिक स्थान सजाए जाते हैं। उन पर रंग रोगन किया जाता है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और परस्पर मिठाइयाँ तथा उपहार लेते देते हैं। इस दिन छोटे छोटे बच्चे खुशियां मनाते हैं तथा निशाना लगाने का अभ्यास करते हैं। नदियों और तालाबों में नौकायन होता है। नावों में दौड़ प्रतियोगिता भी की जाती है। स्थान स्थान पर सभाएं और नाच गान होते हैं। अगर आपको इस निबंध का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मेरे फेसबुक पेज से मिल जाएगा। आप चाहे तो मुझे इस पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। एंड नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।